अगर आपने नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए दिव्या पंजाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर करें। गिद्दड़वाहा निवासियों को पंचकुला हिंसा के कारण करीब 5 दिन दुकानें बंद करनी पड़ी। अब बारिश के कारण दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। गिद्दड़वाहा में हुई बारिश ने जहां प्रशासन की पोल खोल के रख दी है, वहीं पर समय समय पर अकाली दल और कांग्रेस के लीडरों की ओर से दिए गए बयानों की भी हवा निकल चुकी है। बारिश का पानी कई दुकानों और घरों के अंदर चला गया और लोगों का कीमती सामान खराब हो गया, जिस कारण कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके घर जाना ही मुनासिब समझा। इस बारिश के कारण स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण लोगों के वाहनों में पानी चले जाने के कारण मोटरसाइकिल, कार, जीप को पानी से धक्का लगाकर बाहर निकालते हुए देखा गया। इस बाबत जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रिजर्वायर सिस्टम की सही से सफाई न होने के कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि अकाली सरकार के समय करीब 80 लाख रुपए खर्च करके इस रिजर्वायर सिस्टम की सफाई करवाई गई थी और गिद्दड़वाहा से कांग्रेस के विधायक अमरिंदर सिंह राजावडिंग की ओर से भी ये कहा गया था कि मैंने रिजर्वायर सिस्टम की सफाई के लिए करीब 50 लाख रुपए मंजूर करा दिए गए। लोगों का कहना है कि अकाली और कांग्रेसी सब एक जैसे ही हैं, वादे तो करते हैं पर वादों को पूरा नहीं करते, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सलीम खान जी, बारिश जी 2 दिन तो जी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ की। हरेक दुकान दे विच पानी वड़ रहा, तो बड़ा ही बाजार नूं नुकसान है। आन जाण वाले लोगों नूं व्हीकल है, छोटे है, वड्डे है, बंद हो रहे हैं। लेडीज़ तो बच्चों नूं बड़ी परेशानी हो रही है। इस दे विच बाकी रहिंदी हुंदी है सरकार की, वेख लो नीतियां की पोल खोल दी है। आने वाली मौजूदा सरकार है जी, वो पोल भी थोड़े सामने है। तो जी अकाली सरकार जा चुकी है 10 साल राज करके, ये उन्होंने 10 साल के कारनामे है जो दोहरा रही है, तो मौजूदा सरकार से भी दिखा रही है। साढ़े मौजूदा नुकसान बहुत है जी। हर एक दुकानदार बंदा जिहड़ा मजदूरी है, दिहाड़ीदार मजदूरी आपां नूं कह सकते हैं, अज डेली दी हुण 4 दिन तो 3-2 दिन तो बारिश हो रही है। रोज़ का हरेक बंदे का जिहदी भी जिन्नी दिहाड़ीदार हैगी है वह उन्ना सारा ही नुकसान है जी। हुण 2 दिन तक तो इहनूं वैसे नहीं राहत मिलती, ये पानी निकलन दे आसार नहीं है। तुहानूं की लगता जिहड़ा सीवर वगैरह की सफाई हुई है? कागज़ां दे विच हुई है जी, पहलां वाली सरकार ने भी कागज़ां च कीती, हुण वाली सरकार ने भी कागज़ां दे विच करके दिखाती, रिजल्ट तुहाडे सामने आ, अखी देखी आपां बच्चा बच्चा देख रहे हैं। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਚ ਮੀਂਹ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਚੱਟੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਢੱਲਾ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਮੁਕਤਸਰ, ਦਿਵਯ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਟੀਵੀ।